आ जेड़ा कुत्ता तू कोल बने ध्यान चंद डोगरा, ये जेड़ा कुत्ता तू अपने कोल बने ध्यान चंद डोगरा नू मार दे, एनू खत्म कर दे, नहीं तो जिदन तू मरिया ते मैं मरिया ए राज पंजाब दा टुकड़े टुकड़े कर देगा। और थोनू पता होना चाहिए उस तो बाद की होया। ओ ध्यान चंद डोगरा, जब महाराजा रणजीत सिंह दी देन अग लाई गई, दाग लाया गया, अगे हो मरदा सी अलंकार नू, कहिंदा सी मैनू देखो जान ना दिओ किते मैं मच ना जावां। ओ ध्यान चंद डोगरा, हरी सिंह नलूए ने जमरौत का किला बनाया, बैठो हुण मुगल टप्पण नहीं देने। जब महाराजा रणजीत सिंह दा पुत्र दा विआह हो रहा सी लाहौर, हरी सिंह नलू ने चिट्ठी लिखी महाराजा रणजीत सिंह नूं भी साथे साढ़े ते मुगलों ने हमला करता फौज भेज दिओ अद्धी इधर, और चिट्ठी ध्यान चंद डोगरे ने जेब च पा ली। आ जिहड़ियां मैं गल्लां कर रहा उत्थे ही आ जाणा आपां जिथे लई आपां कट्ठे होए आं। दूजी चिट्ठी लिखी, तीजी लिखी, हरी सिंह नलूआ चला गया, लड़ाई हुई, गोली लगी, पिट पिछे खत्म हो गया। चौथी चिट्ठी महाराजा रणजीत सिंह नूं मिली। पानी पिलाई थोड़ा। मैं दसना चाहना कि जे राजा कमजोर होवे, उहदे जरनैल तकड़े होण, उह कन्ना दा कच्चा होवे तां उहदे नाल की हुंदा है, मैं उह दसन लग्गिआ। चौथी चिट्ठी मिली, महाराजा रणजीत सिंह ने गड़वा मारिया, और जब मारना सी उहदे सिर ते मार दिंदा, मरता जांदा, साडा सिख राज तां ना खत्म हुंदा, पंजाब तां ना खत्म हुंदा। उहदे गड़वा वज्जिआ पैरां च। उस तो बाद ध्यान चंद डोगरे ने आ पहाड़ी राजिया ने जिहड़े साडे गुरुआं नाल लड़दे रहे आ, पता है ना इस गल दा कि नहीं पता है, किसी नूं पता है नहीं पता, आही रौला है जिहड़े साडे गुरुआं दे नाल गद्दारी करदे रहे, इन्हां ने जिंदगी दे विच आ के उस पंजाब दे टुकड़े टुकड़े किते, महाराजा रणजीत सिंह दा इक इक जी भजा भजा के मारिया, औरतां नंगियां करके भजा भजा के मारियां। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी अखां विच हंझू आ जांदे है कि उस पंजाब दा हाल की होया। कीता इन्हां ने, ये लोग 2000 साल गुलाम रहे ने, और जिद्दन पाकिस्तान बनिया सी उदन यह गल माउंट बैटन ने कही सी, यह गल कही सी कि तुसीं इन्हों गुलामी कर होंदे देखिया, गुलाम प्रस्त होंदे देखिया, जिद्दन तुसीं इन्हां नूं आजादी दे के सत्ता इन्हां दे हाथ च फड़ा ती, ए थानूं कौडी कौडी सिर रोल देणगे। ए माउंट बैटन ने मास्टर तारा सिंह नूं आखिया, मैं लीडरां दी तां किसे सियासत पार्टी दी गल नहीं करदा, पर उन्हां बजुर्गां दी गल जरूर करदा जिन्हां ने पंजाब नूं बेचिया, पंजाब दी इज्जत नूं बेचिया, पंजाब के रहनुमा बेचिया, तो पंजाब के किसानों बेचा। मैं उन्होंने गल करता, मास्टर तारा सिंह इतों जाता दिल्ली, जब 1947 वंड हो रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उन्होंने बुला के क्या कहता हो रहा, कहता मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबा मिलता लैला दिल्ली तक मिलता, एडा वड्डा पंजाबी सूबा मिलता लैला, कहिंदा जी हां मैं लैण आया, कहिंदा मैं इन्हां नूं देखिया, मैं पाकिस्तान तां अड कराया तां जिद ने लिया है, क्योंकि तुसीं इन्हां नूं गुलाम देखिया, जिद्दण सत्ता इन्हां दे हथ च आ गई ये थोड़े टुकड़े टुकड़े कर देणगे, थोड़ियां पग्गां ला के लै जाणगे, थोड़ियां धीआं भैणां कढ के लै जाणगे, थोड़ियां जायदादां, थोड़ा सब कुछ खो के लै जाणगे। लफ सी मास्टर तारा सिंह नूं माउंटबैटन ने आख्या, मैं बना रहा एग्रीमेंट पंजाबी सूबा लैला, मैं पंजाबी सूबे की गल कर रहा, किसी धर्म की गल नहीं कर रहा, पंजाबी सूबा लैला मौज करेगा। हुण साढ़े ही बंदे जिन्हां पिछे असी शहीद होए, जिन्हां पिछे असी अपनियां कुर्बानियां दित्तियां, साढ़े बजुर्ग साढ़ियां मातावां सब कुछ उजाड़ता इन्हां लोकां पिछे, क्योंकि इन्हां ते लोग तसीहे दिंदे सी। मास्टर तारा सिंह नूं
जवाहर लाल नहरू कहता है गोदी च बिठा के अपनी गोदी च बिठा के कहता है ले तेरा साडा तो नौ मास का रिश्ता है, ऐसी तो इको मां के ढिड चो जमे हैं। मास्टर तारा सिंह की दाढ़ी हथ लगा कहता तू की करता है, आपां कट्ठे रवांगे, तुसी साडे बजुर्ग हो, तुसी साडे वड वडेरे हो, असी थोड़ी सेवा करांगे। पंजाब साडा सरताज है, पंजाब साडी मां।